हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंटेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स आईआर टेस्टर, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये मेरे पास एक मेगर कंपनी का इंसुलेशन टेस्टर है। तो आज हम चेक देखेंगे और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इसके कैसे फंक्शंस होते हैं। डिफरेंट फंक्शन को डिस्कस करेंगे और इसको कैसे कैलिब्रेट करते हैं, इसके सेटिंग्स को देखेंगे। ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इंसुलेशन टेस्टर का हम लोग यूज़ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि ये आईआर टेस्टर का हम यूज़ क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक तरह का डिवाइस है जिसके हेल्प से हम किसी भी सर्किट, स्विचेज या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के इंसुलेशन प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। मतलब जितना अच्छा इस हमारा इंसुलेशन रहेगा उतना हमारा इक्विपमेंट सेफ और ड्यूरेबल रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो ये एक तरह का क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट भी होता है जिसको हम इसके आईआर टेस्टर से करते हैं। फ्रेंड्स ये टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई हमारा सर्किट प्रॉपरली इंसुलेट नहीं है, यानी उसका इंसुलेशन वीक है, तो क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है या कोई इक्विपमेंट है उससे कि हम लोग अगर यूज़ करते हैं उसको तो हमें शॉक लग सकता है, फायर हो सकता है। ये सब के लिए हम लोग को आईआर टेस्ट हम करते हैं कि उसके क्वालिटी को एश्योर करने के लिए। फ्रेंड्स आप जल्दी से हम लोग देखते हैं इसके अंदर जो हमारा MIT 300 सीरीज का जो आईआर टेस्टर है उसके डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन को ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर में ये देखिए, ये मेरे पास MIT 320 मॉडल का ये मेरे पास इंसुलेशन टेस्टर है मेगर कंपनी का। और ये देखिए इसके साथ ये लीड्स दिए हुए हैं, ये हमारा क्रोकोडाइल क्लिप है। ये सब इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सर्किट हो चाहे इक्विपमेंट है उसका हम लोग आईआर टेस्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट पैनल कवर है, ये हमारे डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया रहता है। और इसको हम लोग जल्दी से नीचे कर देते हैं, ये नीचे हैंग होता है, हैंग हो गया। ये मेरा नेक स्ट्रेप दिया है, यानी हम लोग जब इंसुलेशन टेस्ट करेंगे तो इसको गले में लटका के आराम से इजी वे के लिए लटका के हम लोग इसका आईआर टेस्ट करते हैं किसी भी सर्किट का। फ्रेंड्स अब इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, ये हमारा रेंज नॉब है, इस नॉब को हम लोग रोटेट करेंगे। ये अभी मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ, ऑफ रखता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये मेरा डिस्प्ले ऑन हो गया। और ये हमारा जो रेंज होता है ये आईआर रेंज है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का रेंज है, मेगा ओम में इसका रिजल्ट आता है। 250 वोल्ट, 500 वोल्ट और 1 किलो वोल्ट, इसका ये तीनों का ये रेंज है जिसके थ्रू हम लोग आईआर करेंगे। और इसका वोल्टेज मेजरमेंट का है, यहाँ पे हम लोग इसको रख के इस नॉब को यहाँ ला के हम लोग वोल्टेज को भी मेजर करते हैं। तो अभी तो मैं इसको ऑफ रखता हूँ फ्रेंड्स। और नीचे में हम देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस का रेंज है, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। फिर ये वाला सेटिंग हमारा फ्रेंड्स है कि कंटिन्यूटी के लिए, कि अगर हमको किसी की कंटिन्यूटी करना है केबल का चाहे किसी चीज़ का कंटिन्यूटी करना है तो कंटिन्यूटी यहाँ से कर सकते हैं। फिर ये मेरा किलो ओम, ये भी हमारा रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए है फ्रेंड्स। फिर हमारा देखिए फ्रेंड्स एक दिया हुआ ये सेटअप, इस सेटअप पे जाके हम लोग इसके डिफरेंट सेटिंग्स को चेंज करते हैं। मैं अभी बाद में आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या कंटिन्यूटी हो गया और भी बहुत तरह का रिजल्ट चेंज करना हो तो हम लोग सेटिंग से कर सकते हैं। फिर हमारा ये RCL है, ये हमारा होता है लास्ट रिजल्ट रिकॉल, यानी कि लास्ट रिजल्ट क्या आया है उस पर हम लोग देख सकते हैं। अभी कुछ दिखा नहीं रहा, मैं अभी किया नहीं हूँ, जब हम लोग कोई टेस्ट करते हैं तो उसको यहाँ पे स्टोर कर देते हैं तो हमें वो दिखाएगा। फिर फ्रेंड्स ये वाला है हमारा देखिए SND, ये हमारा स्टोर डाटा डाउनलोड, मतलब कि अगर कोई डाटा हम लोग स्टोर्ड है तो उसको डाउनलोड भी हम लोग कर सकते हैं। इसके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये USB का पोर्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग डाटा जो स्टोर रहेगा इसको हम लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स हमारे देखिए ये देखिए, ये हमारा ये मूवेबल पैनल है, ये प्लास्टिक का ये मूवेबल पैनल, इसका ही हम लोग यूज़ करते हैं। ये इसलिए दिया रहता है, प्रोटेक्शन के लिए दिया रहता है फ्रेंड्स, कि हम लोग सिर्फ एक टाइम में एक पॉजिटिव और निगेटिव यूज़ कर सकें। फिर हमारा फ्रेंड्स एक ये होता है देखिए, ये वाला है DEL, ये टेस्ट रिजल्ट डिलीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा ये बटन है, ये टेस्ट बटन है। इसके नीचे नल टेस्ट का भी दिया हुआ है। क्या होता है, जब हम लोग कोई भी टेस्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नल टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे अपना कोई भी टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे तो पहले नल टेस्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लीड कनेक्ट करके, अभी मैं नल टेस्ट करके दिखाऊंगा, उसका नल टेस्ट करके रिजल्ट जो भी अगर हमारा रहता है उसको जीरो कर लेते हैं, नल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग परफॉर्म करेंगे। फिर हमारा देखिए फ्रेंड्स, ये लॉक बटन दिखाया हुआ है, लॉक का सिंबल है। हम लोग को जो हम लोग अभी टेस्ट करते हैं किसी भी आईआर करते हैं, तो रिजल्ट को हम लोग को लॉक करने के लिए, डिस्प्ले को लॉक करने के लिए लॉक बटन का यूज होता है। और जब हम सेटिंग को चेंज करते हैं फ्रेंड्स, तब ओके करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, ये मेरा है, ये वोल्टेज मेजरमेंट के लिए बटन है, और इसको एस्केप करने के लिए, अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं उसको, कोई सेटिंग इसमें कर रहे हैं, सेटिंग चेंज कर रहे हैं, चाहे कुछ अगर हम लोग को वहां से अबॉर्ट करना है, बाहर निकलना है, तो एस्केप करके यूज कर सकते हैं। फिर ये हमारा फ्रेंड्स देखिए, ये लाइट के लिए, ये लाइट ऑन हो गया, ये लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, डिस्प्ले में अगर हम लोग कहीं कहीं पे कर रहे हैं, ऐसा जगह कर रहे हैं कि अंधेरा है तो लाइट जलाना है, डिस्प्ले लाइट होना चाहिए, तो यह इसका यूज करके हम लोग लाइट को ऑफ ऑन करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बैटरी का स्टेटस दिखा रहा है कि कितना बैटरी है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा बैटरी भी इसका कहाँ यूज होता है, कैसे उसको रिमूव करते हैं, बैटरी निकालते हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स तो हम लोग देख लिए, ये ऊपर और नीचे करने के लिए एरो वाला है, हम लोग अप एंड डाउन अगर जाना है तो उसके लिए, ये लास्ट और नेक्स्ट, लास्ट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट लिखा हुआ है, और नेक्स्ट ये भी हम लोग डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स अब इसका हम नल टेस्ट करके, अगर ये लीड में कोई अनवांटेड रेजिस्टेंस है उसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कनेक्ट कर दिया हूँ पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, और यहाँ इसको शॉर्ट कर दिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस नॉब को रेजिस्टेंस पे लाता हूँ। मैं रेजिस्टेंस पे लाया, इसको स्टेबलाइज होने देता हूँ। देखिए ये मेरा जीरो है, ऑलरेडी जीरो दिखा रहा है, तो हमारा इसको जीरो करके ये मेरा जीरो हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो अनवांटेड रेजिस्टेंस था इस लीड के अंदर वो रिमूव हो गया। अब इसको रिटेन करने के लिए मैं इसको ऑफ कर दिया, तो ये हमारा जीरो हो गया। फ्रेंड्स अब इससे हम कंटिन्यूटी करके देखेंगे, इस हमारा इंसुलेशन टेस्टर से हम तीन काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक तो हम आईआर टेस्ट करेंगे, दूसरा हम कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, तीसरा वोल्टेज के लिए। तो ये तीन काम हम इससे करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है, तो उसके लिए मैं ये कंटिन्यूटी, देखिए ये हमारा कंटिन्यूटी पे सिंबल पे ले आया। जैसे ही मैं रेंज नॉब इसके सामने लाया फ्रेंड्स, देखिए आवाज आने लगा, ये साउंड बजर साउंड दे रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट दिखा रहा है। शॉर्ट कहाँ है, ये हमारा देखिए लीड को मैं आपस में शॉर्ट किया हूँ, इसलिए बजर साउंड आ रहा है। इसको अगर मैं लूज कर देता हूँ तो ये आवाज इसका खत्म होगा लूज करने पर। ये हटाऊंगा, ये हटा दूंगा, देखिए सर ये लूज कर देता कर रहा हूँ, तो इसका कांटेक्ट टूट रहा है और हमारा बजर ऑफ हो जा रहा है। इससे हम कंटिन्यूटी भी कर सकते हैं, लेस देन 2 ओम ये दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है फ्रेंड्स कि ये हमारा जो भी ये लीड है, ये सर्किट है, इसके अंदर रेजिस्टेंस 2 ओम से भी कम है, तो ये हमारा कंटिन्यूटी ओके है। फ्रेंड्स आप देखिए, ये मेरे पास एक वायर है, ये केबल है, इसका हम लोग अभी कंटिन्यूटी टेस्ट करके देखेंगे कि ये केबल का कंटिन्यूटी कैसे करते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं देखिए यहाँ पे ये दोनों, ये रेड और वाइट, इसको मैं एक तरफ से इसके इसको सेट कर देता हूँ मैं कंटिन्यूटी पे, और इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब दूसरे एंड को मैं देखिए ये रेड और वाइट को ही क्लोज करके देखूंगा कि साउंड आ रहा है कि नहीं। साउंड आएगा मतलब हमारा फ्रेंड्स ये कंटिन्यूटी ओके है। ये देखिए फ्रेंड्स आ रहा है ना आवाज, ये साउंड आ रहा है, ये दिखा रहा है कि हाँ ये एक तरफ से शॉर्ट है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है। अभी मैं ओपन कर दूंगा, फिर देखिए आवाज़ चला गया, फिर इसको शॉर्ट करूंगा, फिर आवाज़ आएगा, ये देखिए। तो ऐसे हम लोग कंटिन्यूटी करते हैं। तो कंटिन्यूटी तो हो गया फ्रेंड्स, अब इसी केबल का मैं आईआर करके दिखाऊंगा कि आईआर कैसे करते हैं। तो इसको देखिए ये ऐसे ही है फ्रेंड्स, एक तरफ से हम लोग कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब इसको मैं सेपरेट कर दूंगा, आईआर करने से पहले इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब इसको देखिए मैं ऑफ किया, 250 वोल्ट देके मैं इसका आईआर करूंगा। तो
तो देखिए 250 में वोल्ट देके और ये मैं इसका आईआर कर रहा हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फ्रेंड्स ये 20 सेकेंड तक मैं इसको 250 वोल्ट देके इसका मैं आईआर किया हूँ, देखिए ये, और ये क्या दिखा रहा है, मोर देन 1000 मेगा ओम, यानी कि इसका हमारा जो हमारा वायर है ये बहुत अच्छा है और ये इसका इंसुलेशन गुड है, इसलिए 1000 मेगा ओम से भी ऊपर इसका रिजल्ट आया है, मोर देन 1000 मेगा ओम। 1000 मेगा ओम इसकी सेटिंग्स है कि हाँ ये 1000 मेगा ओम पे ये कैलिब्रेट हुआ है, इसका इसको सेट किया गया है, इसलिए 1000 मेगा ओम दिखा रहा है, यानी कि 1 गीगाहर्ट्ज़ से भी 1 गीगाओम से भी ये ऊपर है। फ्रेंड्स एक चीज को हम लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर हम किसी भी सर्किट को चाहे किसी भी केबल को हम लोग जिसका आईआर कर रहे हैं, तो जब ये लीड को रिमूव करना है तो लीड को रिमूव करने से पहले इसको ऑफ करना है। टेस्ट किया, जो हम लोग टेस्ट कर लिया उसके बाद हम लोग को ये टेस्टर को ऑफ किया, तब जाके हम लोग को लीड को रिमूव करना है। अब यहाँ से मैं अपना लीड को रिमूव कर सकता हूँ। एक और चीज मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि आईआर मैं करूंगा, और देखिए ये हमारा रेड एंड व्हाइट उधर है कनेक्टेड, अगर रेड और व्हाइट को यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए इसको मैं जल्दी से शॉर्ट कर देता हूँ, रेड और व्हाइट को शॉर्ट कर दिया, फिर देखते हैं कि हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है कि नहीं होता है, ये शॉर्ट कर दिया। फ्रेंड्स देखिए एक साइड मैं रेड एंड व्हाइट को कनेक्ट किया हूँ और दूसरे साइड ये एक साइड ये मेगर से कनेक्ट है, इसका प्रोब लगाया, क्रोकोडाइल प्रोब लगा दिया, और दूसरे साइड ये शॉर्ट है। अब ये हमारा जो केबल है ये एक साइड शॉर्ट है, तो अब मैं आईआर करके देखूंगा कि क्या हमारा रिजल्ट ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस के नहीं हो रहा है, ये इससे हम लोग को पता चल जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ 250 पे, उसके बाद मैं क्या करता हूँ देखिए यहाँ पे मैं टेस्ट बटन दबाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जो पॉइंटर था ऊपर उठ के फिर नीचे जाके गिर गया, मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है इसके इस सर्किट का वो जीरो दिखा रहा है। क्यों जीरो दिखा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि एक तरफ से ये शॉर्ट है, देखिए ये केबल एक तरफ से शॉर्ट है इसीलिए ये जीरो दिखा रहा है। तो पर्पस हमारा यही रहता है कि हम केबल का चेक करते हैं कि हमारा केबल कितना अच्छा इंसुलेट है, इसी के लिए हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। यहाँ ये देखिए इस बटन से हम लोग ये लाइट को ऑन कर सकते हैं डिस्प्ले में, और फ्रेंड्स ये जो हमारा रिजल्ट है ना, रिजल्ट को लॉक करने के लिए हम लोग ये रिजल्ट को लॉक करते हैं इससे। फ्रेंड्स अब ये रेड और व्हाइट देखिए, ये दोनों लीड को मैं अलग कर दिया और यहाँ पे रेड और व्हाइट कनेक्टेड है। अब मैं दोबारा देखिए 250 वोल्ट से इसको मैं आईआर करूंगा, फिर देखूंगा मेरा ड्रॉप होता है कि नहीं होता है। ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरा, हाँ ये मेरा देखिए रिजल्ट मोर देन 1000 मेगा ओम आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारा दिखा रहा है कि हाँ इस केबल का इंसुलेशन अच्छा है, ओके है। तो फ्रेंड्स बेसिकली हम लोग यही करते हैं कि किसी भी केबल को चेक करते हैं कि वो डैमेज तो नहीं है, इंटरनली डैमेज तो नहीं है, इंटरनली शॉर्ट तो नहीं है, तो इसी चेक करने क्वालिटी को चेक करने के लिए हम लोग आईआर करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये मोर देन 1000 मेगा ओम दिखा रहा, यानी कि इस केबल का इंसुलेशन गुड है, अच्छा है, इसलिए ये दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको डिस्प्ले को भी लाइट दे सकते हैं ऐसे। और दूसरा बात फ्रेंड्स, फिर इसको अब मुझे डी इनर्जाइज करना है, पहले इसको ऑफ करके ही मैं लीड को हटाऊंगा। ऑफ किया, अब मैं लीड को रिमूव करूंगा। इससे हमारा क्या होता है, जो हमारा कैपेसिटिव सर्किट ये बन गया रहता है, हमारे 250 वोल्ट देके हम लोग जो आईआर करते हैं वो फिर से ड्रेन हो जाता है। फ्रेंड्स अब हम इसका कुछ सेटिंग्स को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि जब हम कंटिन्यूटी इसका कर रहे थे इसके थ्रू, तो इसका जो थ्रेशोल्ड वैल्यू 2 ओम दिखा रहा था। अभी मैं इसको फिर कनेक्ट किया हूँ, देखिए हम इसको मैं कंटिन्यूटी पर नॉब को किया, ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है लेस देन 2 ओम। तो ये क्या है, ये 2 ओम जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है अपन सेट करते हैं अपने से, अप टू 5 ओम एक्सेप्टेबल रहता है। ये हम यहाँ भी देख सकते हैं दिया हुआ है कि कंटिन्यूटी के लिए अप टू 5 ओम।
हमारा सर्किट मतलब अप टू 5 ओम अगर रेजिस्टेंस आता है किसी भी सर्किट का, अगर हम लोग कंटिन्यूटी करते हैं तो ओके है। तो ये हम थ्रेशोल्ड वैल्यू इसका 2 ओम सेट किए हैं, इसको हम 5 भी कर सकते हैं। उसको सेट करने के लिए इसका सिंपल हम लोग को क्या करना है, ये सेटिंग पे आ गए, देखिए कंटिन्यूटी और 2, इसको हमको करना है लॉन्ग प्रेस। अब देखिए ये नीचे जाने लगा, फिर ये 20 से आएगा, फिर एक बार था हाँ, अब देखिए फिर ये नीचे आएगा, सेवेंटीन 15 14 6। अब इसको मैं 5 पे अगर मेरे को सेट करना है, 5 ओम एज ए थ्रेशोल्ड वैल्यू, वो भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गया, मेरा 5 पे सेट हो गया। अब फ्रेंड्स इसको मैं ऑफ करता हूँ, उसके बाद फिर मैं चेक करूँगा इसका कंटिन्यूटी कि कितना ओम दिखा रहा है। तो ये रहा, मैं कंटिन्यूटी पर ले आया नॉब को, अब देखिए लेस देन 5 ओम दिखा रहा है ना, तो ये अभी मैं सेट कर दिया। इसके थ्रू हम लोग आप समझ गए ना, सेटअप में जाना है, सेटअप में जाकर टेस्ट बटन दबाना है, कंटिन्यूटी जो ब्लिंक करेगा कंटिन्यूटी पे, फिर ये टेस्ट बटन दबा कर रखना है। उसके बाद हम लोग सेटिंग करके जहाँ तक जो डिजायर्ड वैल्यू है वहाँ जाएंगे, उसके बाद ओके कर देंगे तो हमारा वो हो जाएगा। फिर से अगर मुझे चेंज करना है इसको, मैं ये कर देता हूँ 2 पे कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ओके, और इसको अब ओके, अभी हमारा आपको देखिए, फिर अब मैं अगर कंटिन्यूटी पे जाऊंगा तो मेरा लेस देन 2। ऐसे हम लोग ये सेटिंग बदल सकते हैं फ्रेंड्स। एक और सेटिंग अभी देखिए, हमारा जो अभी कंटिन्यूटी कर रहा है चाहे किसी तरह का कुछ करते हैं, तो आवाज़ आ रहा है ना बजर का आवाज़ भी हम लोग साउंड को ऑफ ऑन कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है, सिंपली जाना है सेटअप पे गए, ये कंटिन्यूटी आ रहा है, इसको एक बार प्रेस किया, देखिए बजर ऑन दिखा रहा है, अभी स्टेटस इसका ऑन है। इसको हम लोग होल्ड करके रखेंगे, ऑफ का स्टेटस आ रहा है ऑफ के लिए, फिर यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे। अब क्या है देखिए, अभी मैं कंटिन्यूटी पर जाऊँगा, ये देखिए साउंड नहीं आ रहा है ना, बजर ऑफ हो गया। इस तरह से हम लोग बजर को ऑफ ऑन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप थोड़ा सा एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, ये मैं ओम पे किया, अभी क्या स्टेटस दिखाएगा, देखिए ये बैटरी का स्टेटस। अगर हम लोग को बैटरी रिमूव करना है, अगर चेंज करना है, मतलब ये बैटरी हमारा जो हम यूज़ कर रहे हैं, सेल यूज़ कर रहे हैं, अगर वो डेड हो जाए तो फिर हम लोग को क्या करना है, इसको करना है ऑफ, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद ही हम लोग को बैटरी रिमूव करना है, ऑफ करके उसके बाद हम लोग को ये पीछे देख सकते हैं, पीछे ये स्क्रू दिया हुआ है। अभी मैं इस स्क्रू को खोलूंगा, ये स्क्रू खोल के इसके अंदर बैटरी है, बैटरी रिमूव कर सकते हैं हम लोग। बैटरी हमको अगर चेंज करना है तो ये स्क्रू खोल के यहाँ से बैटरी हम चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये हमारा है स्क्रू, इसको खोल के हम लोग इसका इसके कवर को रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैं आपको इस कवर को रिमूव करता हूँ, ये हमारा कवर हो गया रिमूव। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल इसके अंदर यूज़ हुआ है। अगर ये हमारा ड्रेन हो जाए फिर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चेंज करेंगे, लेकिन इसको खोलने से पहले, बैक कवर खोलने से पहले फर्स्ट ये हमेशा याद रखना है कि हम लोग इसको ऑफ करेंगे, पहले ऑफ करके ही इसको खोलना है, खोल के हम लोग चेंज कर सकते हैं।